पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर सरगर्मियां चरम पर पहुंच गई हैं। आलम यह है कि जिला परिषद से लेकर पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव लड़ रहे पार्टी समर्थित प्रत्याशियों के चुनाव में बड़े बड़े नेता भी अब मैदान में कूदने लगे हैं। जिला के टब्बा जिला परिषद वार्ड से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी अभिनव कुमार के पक्ष में युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी ने चुनाव प्रचार करते हुए वोट मांगे। इस दौरान जहां निगम भंडारी ने अभिनव कुमार को जनता के हितों का रक्षक बताया, वहीं उन्होंने भाजपा पर भी जमकर निशाने साधे। इस अवसर पर क्षेत्रीय परिवहन निगम प्राधिकरण के पूर्व सदस्य दीपक लठ भी साथ रहे। सबसे पहले तो हिमाचल वासियों को लोकतंत्र के पर्व पंचायती राज चुनावों की ढेर सारी बधाइयां, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर्व में वोट के माध्यम से आप सभी बढ़ चढ़ कर भाग लें, और विशेष तौर पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस पंचायती राज चुनावों में युवाओं को बढ़ चढ़कर मौका दिया। और मुझे पूरी उम्मीद है, मैं पिछले 3 दिन से ऊना जिले में हूँ और जहाँ जहाँ हमारे युवा उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने उतारे हैं उनके प्रचार में लगातार हम 3 दिन से कार्य कर रहे हैं। भाजपा मिशन रिपीट का दावा, जो इनका दावा है, पूरा का पूरा खोखला हो चुका है और हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने है। जितने भी इनके वादे थे, जो भी इनकी दमनकारी नीतियां हैं, वो पब्लिक के सामने हैं। और आने वाले समय में युवा कांग्रेस, जो इन्होंने झूठे वादे किए थे, जो एक प्रकार का जुमला साबित हुआ है, जो सबसे बड़ा वादा उन्होंने युवाओं के साथ किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो प्रत्येक घर से एक युवा को रोज़गार देंगे, वो पूरा का पूरा जुमला साबित हुआ है। और आज मैं बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में 20 लाख से ज़्यादा युवा बेरोज़गार हैं, और आने वाले पंचायती चुनाव के बाद युवा कांग्रेस बेरोज़गारी यात्रा भी पूरे प्रदेश में शुरू करेगी। मेरी जो सबसे प्रायोरिटी पे जो चीज़ रहेगी वो ये है कि जितनी भी पंचायतें मेरे कार्यक्षेत्र में, मेरे इस वार्ड में आती हैं, उन हर एक पंचायत को मैं जो है वो हिमाचल की आदर्श पंचायत बनाना चाहता हूँ। ये मेरा पहला जो मुद्दा है वो रहेगा, ठीक है जी। और उसके बाद में जो जो समस्याएं मैं सुन रहा हूँ अपने प्रचार के दौरान, कहीं पे मतलब डंगा लगने की समस्याएं हैं, कहीं पे पानी की निकासी की समस्याएं हैं, कहीं पे किसानों को मतलब एग्रीकल्चर में कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो इन सारी चीज़ों पे मैं मतलब पूरा काम करूँगा। तो अभी तक आपको कैसे समर्थन मिल रहा है? जहाँ जहाँ पर भी मैं जा रहा हूँ जी, मतलब जो आवाज़ है जनता की वो मेरे साथ में है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए ऊना से चंद्रमोहन चौहान।